जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मित्रों, आज हम इतिहास के प्राचीन इतिहास को लेकर के हम आए हैं, और इसमें जो है आप लोगों को प्राचीन इतिहास में इसके कई भाग हैं। इसमें ये जो है आप लोगों का ये पहला भाग है दोस्तों, और इसको हम आगे तक भी ले जाएंगे। तो सबसे पहले इस प्राचीन इतिहास के भाग में हम लोग इसकी रूपरेखा को जानेंगे। तत्पश्चात जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी रूपरेखा को हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक, यानी कि अरबों का जो जहां आक्रमण होता है यानी मध्यकाल में, ये वहीं तक है इसका जो है भाग। प्राचीन भारत का इतिहास ये भाग वन है दोस्तों, और इसमें जो प्राचीन भारत के इतिहास में पहला जो भाग है महाजनपद का काल है, और इसका जो समय है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसका उल्लेख मिला था। अगला है मगध साम्राज्य, ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व तक चला था। अगला है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में ये जो है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक चला था। कहीं कहीं आप कुछ किताबों में आप इसको देखेंगे तो ये 322 से दिया हुआ है, लेकिन जो अधिकतर किताबों में दिया गया है, जैसे हरिश्चंद्र वर्मा का ले लीजिए आप या एस के पांडे आप ले लीजिए, तो इन सब किताबों में जो है 323 दिया गया है अधिकतर। तो हमने भी जो है इसका उल्लेख 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक जो है हमने भी इसको माना है। अगला है मौर्य उत्तरकाल, मौर्य उत्तरकाल 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक चला। अगला है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक चला। इसी क्रम में आगे है हर्षवर्धन काल, जो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक चला। तो इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे महाजनपद का उदय किस प्रकार से हुआ, और ये जो है किस शताब्दी में हुआ, इन सब का उल्लेख जो है हम लोग करेंगे, और ये किस ग्रंथ में मिलता है, और इसके कितने जनपद हैं, इन सब का हम लोग एक एक करके वर्णन करेंगे। महाजनपद का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये उत्तर वैदिक में जो है कबीलाई राज्यों के स्थान पर ये क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसका पूर्ण विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। कहने का मतलब है जो उत्तर वैदिक काल था दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल जो है महाजनपद में जो है इसकी जो है ये कन्वर्ट हो गया, और कुछ क्षेत्रों में ये जो है बंट गया, और ये बंटा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसका जो सबसे पहले जो उसका उल्लेख जहाँ मिलता है इस महाजनपदों का, सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मित्रों, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ का ये जो है अंगुत्तर निकाय, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दोनों काफ़ी जो है प्रश्न के तौर पे पूछे गए हैं कि जो 16 महाजनपद हैं इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। इसमें दो चीज़ें बताई गई, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र, इसमें राज्य का
अध्यक्ष राजा होता था, और दूसरा है गणतंत्र। गण का अर्थ होता है दोस्तों समूह। इस शब्द का जो प्रयोग है एक ऐसे समूह से है जिसका अर्थ एक से अधिक लोगों का शासन करने से है। कहने का मतलब है कि गण एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक ऐसे समूह से बनता है जिसका अर्थ होता है कि एक से अधिक लोगों का जो है शासन। और इसका जो प्रयोग मिलता है वर्तमान में भारत की शासन व्यवस्था यानी कि भारत में ही जो है इसकी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है एक तो राजा यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो होगा ही, इसके बाद भी अलग अलग राज्यों में एक जो है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री होता है। इसी के अंतर्गत जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग अलग अपने क्षेत्रों के मालिक होते हैं। तो कहने का मतलब है यही गणतंत्र है और राजतंत्र, ये दो बातें इसमें महाजनपदों में मिलता है। तो आइए अब हम जो है एक एक करके इन 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। आइए इन 16 महाजनपदों को हम लोग देख लेते हैं, जिनमें आपका पहला है अंग। अंग जो है इसकी जो राजधानी थी ये चंपा, और वर्तमान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आधुनिक में भागलपुर मुंगेर क्षेत्र ये बिहार में पड़ता है। दूसरा है मगध। मगध जो था ये इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी या पाटलिपुत्र, ये अनेक अनेक वंशों ने जो है प्राचीन इतिहास में जो है अलग अलग वंशों ने राज किए थे और उन्होंने अलग अलग राजधानियां रखी थी। तो जो मगध की राजधानी है वो गिरिब्रज है, राजगिरी भी है और पाटलिपुत्र। आधुनिक में जो है ये पाटलिपुत्र है, बिहार की राजधानी जो पटना, इसका जब प्राचीन जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। वर्तमान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पटना गया का क्षेत्र अर्थात बिहार का भाग है। अगला है काशी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी है, ये वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी का भाग। चौथा नंबर है कोसल। कोसल जो है ये श्रावस्ती इसकी जो राजधानी है, और वर्तमान की बात करें तो ये अवध का क्षेत्र माना जाता है, जिसे अवध्या गोंडा बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश के जिले हैं। अगला है पांचवा नंबर वत्स। वत्स जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी है और ये इलाहाबाद मिर्जापुर क्षेत्र यूपी यानी उत्तर प्रदेश का वर्तमान का भाग है। अगला है छठवां नंबर चेदी। चेद जो है ये इसकी जो राजधानी है ये सोतथीवती है, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगला है सातवां नंबर कुरु। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जहाँ पांडव और कौरवों की युद्ध हुआ था इंद्रप्रस्थ। वर्तमान क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली व मेरठ का समीपवर्ती क्षेत्र थानेश्वर। थानेश्वर आपका हरियाणा में पड़ता है। अगला है आठवां नंबर पांचाल। पांचाल में दोस्तों ये देखिएगा, इसमें जो है दो राजधानियां इसकी बनी थी, ये दो भागों में बढ़ गया था, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा जो है दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी कांपिल थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ ये उत्तर प्रदेश के भाग हैं। भाग क्या, ये जो है जिले हैं। नौवां नंबर है मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी और ये जयपुर भरतपुर तथा राजस्थान के जो है जिले हैं, वर्तमान क्षेत्र में ये
ये जो है विराटनगर यहीं पर है। मित्रों यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि अंग देश की राजधानी क्या है, या फिर पांचाल की राजधानी क्या है, या आपको राजधानी दे देगा तो उसमें से महाजनपद पूछ लेगा। तो मित्रों यहाँ से जो है दो तीन टाइप के जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे है सूरसेन। सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा थी और ये ब्रजमंडल का क्षेत्र माना जाता है आधुनिक में वर्तमान में, और ये उत्तर प्रदेश का भाग है। अगला है अस्मक। अस्मक जो है ये पोटली इसकी राजधानी है और ये नर्मदा व गोदावरी नदी के मध्य यानी दक्षिणी भारत में स्थित है। मित्रों इसमें जो अस्मक है यही जो है जो महाजनपद है दक्षिणी भारत में स्थित है। यहाँ से एक सवाल ये भी करता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। तो असमक एक ऐसा देश है जो दक्षिणी भारत में स्थित है और इसकी राजधानी है पोटली व नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य में ये स्थित है। एक प्रश्न और बनता है कि इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो है या सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो आपका हो जाएगा ये मगध। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है और सबसे दक्षिण में जो स्थित था वो आपका असमक महाजनपद स्थित था, जो है सबसे दक्षिणी भाग में, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में असमक महाजनपद स्थित था। और सबसे शक्तिशाली की अगर हम बात करें तो आपका मगध है। अगला है इसी में अवंती। अवंती इसकी जो राजधानी थी ये महिष्मति, और ये आधुनिक में यानी वर्तमान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से नर्मदा नदी तक ये जो है इसका भाग फैला हुआ है। इसी क्रम में आगे है जो है गांधार। गांधार अर्थात महाभारत के सीरियल में आप लोगों ने गांधारी नाम से सुने होंगे, जो कि धृष्टराष्ट्र की पत्नी बनी थी। तो ये जो गांधारी थी इसी गांधार की रहने वाली थी और इसकी राजधानी है तक्षशिला, और ये वर्तमान में अगर हम बात करें इसकी तो ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, रावलपिंडी ये जो है शहर है पाकिस्तान का। तो काबुल व रावलपिंडी का क्षेत्र अर्थात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र वर्तमान की बात में है। अगला है कंबोज, 14वां नंबर, और ये इसकी जो राजधानी है हाटक या राजपुर दो नामों से जाना जाता है, और इसका जो क्षेत्र मिलता है वर्तमान में ये पुंछ क्षेत्र है, ये जो है कश्मीर का भाग है पुंछ, और राजौरी हजारा जिला ये पीओके यानी कि पाक में है। तो ये जो है वर्तमान में इसका भाग है कंबोज का। अगला है 15वां नंबर वज्जी। वज्जी इसकी राजधानी है वैशाली, और वर्तमान में अगर हम बात करें कि जो इसका जो भाग है ये बिहार तथा नेपाल का क्षेत्र माना जाता है। इसी कड़ी में अगर हम देखते हैं 16वां नंबर और हमारा अंतिम है मल्ल महाजनपद, और इसकी जो राजधानी है कुशीनगर और पावा, इसकी दो राजधानियां हैं। कुशीनगर में जो है आपके महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था अर्थात इनका अंत हो गया था, और पावा में आपके जो है महावीर स्वामी जी का जो है अंत महापरिनिर्वाण यहाँ प्राप्त हुआ था। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर ये जो है उत्तर प्रदेश के भाग हैं वर्तमान में, जो मल्ल महाजनपद है ये जो है इतने भागों में आता है। तो मित्रों अभी आपने 16 महाजनपदों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग यानी कि भाग दो लेकर के आएंगे। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।